अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। अच्छा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर अ फॉर्मुलरी, एक फॉर्मुलरी किस तरह प्रिपेयर की जाती है, फॉर्मुलरी होती क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो प्रोसीड करने से पहले। ठीक है, अच्छा, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट सिस्टम अपडेटिंग अ फॉर्मुलरी, बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा प्रिपेयरिंग अ फॉर्मुलरी, फॉर्मुलरी किस तरह प्रिपेयर की जाती है। द सेलेक्टेड पीएनटी कमेटी विल टेक द इनिशियल स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलरी। पीएनटी कमेटी, हमने बताया थी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस प्रिपेयर किए हैं, कुछ कमिटीज़ बनाई, वो उसका रीज़न क्या है कि हमारे जो ड्रग्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स और यूज़ वगैरह सब कुछ देखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इनिशियल स्टेप लिया था फॉर्मुलरी के लिए। सम डिसीजन विच मस्ट बी रीच्ड बाय दिस कमिटी आर एज फॉलोज। व्हाट टाइप ऑफ पब्लिकेशन विल बेस्ट सूट द नीड्स ऑफ द हॉस्पिटल। पब्लिश अ सीरीज ऑफ रूल्स विच द कमेटी मे यूज टू एवलुएट ड्रग्स फॉर एडमिशन टू द फॉर्मुलरी। अच्छा, इस दो पॉइंट में बताया, व्हाट टाइप ऑफ पब्लिकेशन विल बेस्ट सूट द नीड्स ऑफ द हॉस्पिटल, किस तरह की पब्लिकेशन बेस्ट सूट कर रही है किसी भी हॉस्पिटल को। पब्लिश अ सीरीज ऑफ रूल्स विच द कमेटी में यूज टू एवलुएट ड्रग्स फॉर एडमिशन टू द फॉर्मुलरी। आपने क्या करना है, एक सीरीज ऑफ रूल बनाना है जो कि कमेटी भी जो है उसको यूज़ करके ड्रग को एवलुएट करे। ठीक है, कंटेंट अदर देन द सेक्शन ऑन वेरियस थेरापेटिक एजेंट्स, सेक्शन ऑन प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, सेक्शन गवर्निंग द यूज़ ऑफ ड्रग। अब ये बता रहे हैं कि डिफरेंट कंटेंट्स के सेक्शंस बनने चाहिए, लाइक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का एक सेक्शन होगा, यूज़ ऑफ ड्रग का एक सेक्शन होगा, टेबलेट्स ऑफ वेट एंड हाउस होल्ड इक्विवेलेंट्स, सॉरी टेबल्स है, टेबल्स ऑफ वेट्स एंड हाउस होल्ड इक्विवेलेंट्स, टेबल ऑफ कॉमन लैब वैल्यूज, सेक्शन ऑन डोजेज कैलकुलेशन, सेक्शन ऑन रिएजेंट फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट शुड द फॉर्मुलरी टैग। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइज ऑफ, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट सिस्टम किसके ऊपर कंप्राइज है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलरी अपडेटिंग, तीन चीज़ों पर, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मुलरी अपडेटिंग, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट सिस्टम का बता रहा है। अच्छा, अपडेटिंग फॉर्मुलरी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग्स, हमने क्या किया, अब अगर हमारी फॉर्मुलरी को हमने अपडेट करना है तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे न्यू ड्रग को, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग फ्रॉम मार्केट प्लेस। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर्मुलरी को अपडेट करने का वजह क्या है, ये वजह हो सकती है कि कोई न्यू ड्रग आ गई, आपने हम जाहिर बात है फॉर्मुलरी को ऐड करना है, एडिट करना है। अच्छा, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग फ्रॉम मार्केट प्लेस, अब कोई ड्रग है जो कि मार्केट से गायब है, मार्केट से शॉर्ट है, तो उसमें क्या होगा कि हमें वहाँ पर रिमूवल करनी होगी फॉर्मुलरी में। चेंज इन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अच्छा, फॉर्मुलरी उस सूरत में चेंज हो सकती है कि हॉस्पिटल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चेंज हो गए। एविडेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स इन नॉवल इंडिकेशन, चेंजिंग डेटा ऑन एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल। अच्छा, डेटा क्यों चेंज कर रहे हो, अच्छा डेटा क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि इसके एडवर्स प्रोफाइल जो है, एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल्स की वजह से डेटा चेंज करना पड़ गया। अच्छा, डिमांड ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग ड्रग्स, ठीक है, डिमांड हो गई, कोई डिमांड आ गई है, ठीक है, कि नई ड्रग आई है उसको एक्सक्लूड करो, एक को एक्सक्लूड करो, एक को इंक्लूड करो, तो वो सारी चीज़ें इस वजह से। बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मुलरी सिस्टम, क्या बेनिफिट होगा फॉर्मुलरी सिस्टम का, प्रोवाइड थेरापेटिक मेरिट्स। अब हमें क्या होगा, हम थेरापेटिकली उन ड्रग्स को प्रिफर करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो थेरापेटिकली मेरिट हमें मिलेगा। प्रोमोट रैशनल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, हम रैशनल प्रिस्क्रिप्शन को प्रोमोट करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, एजुकेशनल वैल्यूज बनेगी उसकी, नॉलेज प्रमोट होगी और क्लोज एक्सपायरी मॉनिटरिंग, और हमें पता चलेगा कि हमारी ड्रग्स की एक्सपायरी वगैरह क्या है, इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टेक अवे द फिजिशियंस फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब एंड ऑब्टेन ब्रांड ऑफ हिज प्रेफरेंस। अच्छा, अब कुछ फिजिशियंस होते हैं जो कि अपने ब्रांड्स को या अपने डिमांड्स को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो उस वो जो है ना उससे आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, परमिट्स फार्मासिस्ट टू एक्ट एज द सोल जज टू सेलेक्ट ब्रांड्स ऑफ ड्रग फॉर परचेजिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक है, परचेजिंग और डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट जो है एक सोल जज होगा कि जो कि ब्रांड को
सेलेक्ट करेगा। अलाउज फॉर परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ड्रग्स एज देर मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया पर्टिकुलरली व्हेन देर इज नो स्टाफ फार्मासिस्ट। जब कोई स्टाफ फार्मासिस्ट नहीं होता तो आप इंफीरियर क्वालिटी ड्रग्स को भी परचेज कर लेते हो। अनएबल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट। कंटिन्यूअल अपडेटिंग ऑफ फॉर्मुलरी रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टाइम एंड एक्सपेंडिचर्स। अब आपने अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हो और वो एक्सपेंसिव है, मार्केट में से सस्ती आ गई, तो हमने अपडेट करना पड़ेगा, और उस अपडेटिंग के दौरान क्या होगा कि हमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, एक्सपेंडिचर्स वगैरह सब लगेंगे। फॉर्मुलरी एक्सपेंशन एक्सेप्शंस। क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल ऑफ नॉन फॉर्मुलरी मेडिकेशन शुड बी डेवलप। फॉर एग्जाम्पल एलर्जी, थेरापेटिक फेलियर ऑफ फॉर्मुलरी अल्टरनेटिव कंडीशन नॉट ट्रीटेबल बाय फॉर्मुलरी मेडिकेशंस। गाइडलाइंस फॉर यूज शुड बी कंसिडर्ड फॉर नॉन फॉर्मुलरी इफ दे कैरी पेशेंट सेफ्टी रिस्क। अच्छा, अब आप नॉन फॉर्मुलरी मेडिकेशंस जो कि फॉर्मुलरी में इंक्लूड नहीं है उसको कब यूज़ करोगे, जब आप देखोगे कि पेशेंट सेफ्टी रिस्क इसके अंदर नहीं है। एवोल्यूशन हवा रिस्क एवोल्यूशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी एंड एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन। ठीक है, ये सूरत नहीं करोगे। अब नॉन फॉर्मुलरी की बारी कब आती है, ऊपर वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी मेडिकेशन से, फॉर्मुलरी मेडिकेशन से एलर्जी हो रही है, थेरेपेटिकली वो फेलियर हो गई है या फिर ट्रीट नहीं हो रही फॉर्मुलरी मेडिकेशन से, तो फिर आप क्या करोगे, पेशेंट रिस्क सेफ्टी रिस्क को देखते हुए दूसरी कोई टैबलेट प्रेफर करोगे जो कि नॉन फॉर्मुलरी होगी। ठीक है, जो फॉर्मुलरी में इंक्लूड नहीं होगी। मैम केस स्टडी। अच्छा मैम, जो सेकेंड हमारे पास होगा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम इसमें केस स्टडी पढ़ेंगे। अच्छा, रैम्स केस स्टडी। ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव ओलेंजापिन इज अ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया इन एडल्ट्स। ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव कैन कॉज सीरियस रिएक्शंस फॉलोइंग इंजेक्शंस कॉल्ड पोस्ट इंजेक्शन डेलिरियम सेडेशन सिंड्रोम। सिम्टम्स इंक्लूड फीलिंग स्लीपर देन यूजुअल। आप कह रहे हैं देखो ओलेंजापिन जो है वो क्या है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया मेंटल डिजीज़ साइकोटिक डिजीज़ है, ठीक है, उसके अंदर हम लेते हैं। आप कह रहे हैं कि अब उससे क्या हो रहा है, हमें सीरियस रिएक्शन हो रहा है जिसका जिससे क्या रिएक्शन हो रहा है, डेलीरियम सेडेशन सिंड्रोम हो रहा है। इस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीलिंग स्लीपर देन यूजुअल सेडेशन, ठीक है, कोमा एंड फीलिंग कन्फ्यूज और डिसऑरिएंटेड अकर्ड इन क्लिनिकल स्टडीज विद इन 3 hours आफ्टर ट्रीटमेंट विद ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव। ठीक है, ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव से जो सिम्टम्स आ रहे हैं जिसको हम डेलीरियम सेडेशन सिंड्रोम कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है स्लीपियर फील करता है, उसको नींद आती है, जैसे आम रूटीन से ज़्यादा उसको नींद आती है, कोमा में भी जा सकता है एंड फीलिंग कन्फ्यूज और डिसऑरिएंटेड, कन्फ्यूज फील करेगा, डिसऑरिएंटेड फील करेगा। ठीक है, द रिस्क ऑफ पोस्ट इंजेक्शन डेलीरियम सेडेशन सिंड्रोम इज प्रेजेंट विद एवरी इंजेक्शन ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉल रिस्क लेस देन 1%। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट इंजेक्शन डेलीरियम सेडेशन सिंड्रोम FDA रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरर ऑफ ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव टू डेवलप अ REMS। The purpose of the REMS is to ensure that the drug is administered only in certified healthcare facilities that can observe patient for at least 3 hours and provide the medical care necessary in case of an adverse event. अब कह रहे हैं, अब इस वजह से हमने इनको कहा है जो ये medications use कर रहे हैं कि इन medications को certified healthcare units में ही facilities उसमें यूनिट्स में ही यूज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 3 घंटे तक पेशेंट के बाद बैठ कर उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि विद इन 3 hours जो है ना उसको ये सारी चीज़ें होती हैं, तो 3 घंटे तक आपने अपने पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है कि ड्यूरिंग 3 hours कोई इसको प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, अगर इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो देन फिर हम जो है इसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रिस्क ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव इज़ अवेलेबल ओनली थ्रू आर रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कॉल्ड ज़ेफ्रेक्सा वेलप्रेव पेशेंट
केयर प्रोग्राम एंड रिक्वायर्स प्रिस्क्राइबर हेल्थ केयर फैसिलिटी पेशेंट एंड फार्मेसी एनरोलमेंट। ठीक है, इसलिए अब इसकी वजह से हम क्या करते हैं उसको, अब कोई 3 घंटे बैठ तो नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन है तो फिर इसका जो प्रोग्राम होता है उसके थ्रू जो है ये मेडिकेशंस दी जाती हैं।